1995 में दिलवाले दुनिया ले जाएंगे रिलीज हुई फिल्म एक बार फिर से लुधियाना के एक सिनेमा मॉल में एक दिन के लिए दिखाई जा रही है। लुधियाना के पेविलियन मॉल में बने एक पीवीआर सिनेमा घर में इस रविवार के दिन एक शो के लिए इस फिल्म को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ तक इस फिल्म की टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और लोग इस फिल्म की टिकटें भी खरीद रहे हैं। करीब 23 साल बाद इस फिल्म लोग आज भी पसंद कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तो इस शो की काफी हद तक टिकटें बुक हो चुकी हैं। हालांकि इस संबंध में कोई पीवीआर का कर्मचारी सामने आने को तैयार नहीं है, लेकिन एक प्रतिष्ठित अखबार में इसका इश्तिहार जोड़ दिया गया है। गौरतलब है कि 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म ने एक बार तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और मुंबई के मराठा मंदिर में 1009 हफ्तों तक का लंबा सफर तय करने एक अपना रिकॉर्ड कायम किया था। भारतीय इतिहास में कभी भी किसी भी थिएटर में सबसे लंबी चलने वाली ये फिल्म थी और इसने मुगले आजम और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पछाड़ दिया था। मैं तो सिर्फ अपनी फिल्म के वास्ते हैं, जो दिलवाले दुल्हनिया बड़ी वधिया फिल्म सी, सानू मौका नहीं मिला पहला देखने का चंगी तरह, तो हूँ असं थिएटर से देखने आए हैं। सानू मैं अपने लिए दो टिकटा बुक की हुई ने, मैं फिल्म का वे बहुत वधिया लगी, पर इतने जाकर जो स्वाद आना वो इतने ही आना। संडे में मैं जरूर देखना, मैं तो मेरे लिए सारे यहाँ देखना, फिल्म बहुत ही वधिया हैगी है। टिकट बहुत आसानी मिल गई है, तुम्हें भी आसानी मिल जाए रब करे, तो फिल्म देखना इतने मज़ा आएगा जो घर नहीं आया। बुक कराना है भाई जी, संडे देखा पूरा इंजॉय करा भाई, पहला टीवी देखी सी तो हूँ सिनेमे हाल से देखा जी, पूरा इंजॉय करा मस्ती लवेंगे, तो बुक कराने आए हुए हैं। भाई उ वधिया फोन च इन्ना न्यारा नहीं आता देखने का, जो लाइव देखने का न्यारा आता फोन से। हाँ जी, बहुत अच्छी मूवी है, जितनी बार भी इसको देखो कभी भी बोर नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे दोबारा देखने आए हैं। बहुत ये एवरग्रीन मूवी है, कभी भी इसको देखो, पहले हमने एक बार देखी थी, बहुत अच्छी है, इसको कभी भी देखो तो बोर नहीं होता बंदा, इसलिए मैं इसे दोबारा देखने आए हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं, फिल्म कैसी आपने पहले देखी? पहले देखे, इट्स ग्रेट मूवी। तो अभी दोबारा लग रही है बोरिंग तो नहीं लगेगी आपको? नहीं नहीं, इट्स एन एवरग्रीन मूवी। क्यों बोर क्यों नहीं हो गए? क्योंकि ये मूवी एवरग्रीन है, जब भी देखो इंटरेस्ट बना रहता है। मैं यहाँ पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की मूवी की टिकटें बुक कराने अपनी फैमिली के लिए, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने दो तीन बार देखी है, एक बार फिर से सिनेमाघर में देखने आए यहाँ पर। तो लग रहा है कि दोबारा देखने में मज़ा आएगा? हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत टाइम से देखी नहीं है, और आई थिंक सो इस बार इंजॉयबल होगी। फिल्म जैसा होता है कि बोर हो जाता है बंदा फिल्म देखते देखते, तो इस फिल्म को कैसे आप इंजॉय करते हैं? क्योंकि बहुत फेमस फिल्म है, बहुत अच्छी बनी है, काजोल ने और शाहरुख ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें, और डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत डिफरेंट मूवी है और इतने टाइम से चलते आ रहे, तो नो डाउट कि एंटरटेनमेंट वही रहे। हाँ, आई विल डेफिनेटली सी दैट अगेन, क्योंकि वो अच्छी मूवी है, काजोल है, शाहरुख खान है और सब उनको लाइक करते हैं। शाहरुख खान तो बेस्ट हीरो है और काजोल तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो आई विल डेफिनेटली जरूर देखूंगी। 8 to 9 टाइम्स तो मैंने देखी है और जितनी बार भी आती है अभी भी मैं देखती हूँ, अगर कोई भी स्टार गोल्ड पे आए, जिस पे भी आए, डेफिनेटली सी दैट मूवी। देखिए, अब देखने के बाद इंटरेस्ट तो हमारा ऑलरेडी है, काजोल और शाहरुख को कौन भूलता है, तो आई विल डेफिनेटली सी दैट अगेन। बहुत अच्छी मूवी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी। जागती लग के लिए लुधियाना से सुंदर उड़ा की रिपोर्ट।